हमको लोगो कौन बचाए, जिसकी मर्जी जितना खाए, आखिर ये हम कहते हैं क्या कर बैठे, हाय हाय। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे की मुनासिबत से खसूसी तकरीब, नैब के ज़ेरे एहतमाम अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में करप्शन के उन्वान से शायरी का मुकाबला करवाया गया। तकरीब में सूबाई वजीर संतो तिजारत मियां असलम इकबाल और डायरेक्टर नैब सैयद हसनैन शाह ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि शायर जाहिद फखरी, शायरा यास्मीन हमीद और रक्षंदा नवीद समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की। न जाने कौन सी पीली है इसने घोल कर बूटी, बंदी कदमों से पस्ती है, ये बस्ती कैसी बस्ती है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने करप्शन के खात्मे का अज़्म करते हुए कहा कि ऐसा कोई मुल्क नहीं देखा जहां इतनी करप्शन हुई हो जितनी हमारे मुल्क में हुई। यहां पर इंसाफ तो माजरत के साथ जिस तरह से मिलता है वो आपकी नजरों के सामने है। हम सब ने मिलकर इसको ठीक करना है, इस मुल्क ने ठीक होना है इंशाल्लाह। दिन बदले जाने हैं, अच्छा वक्त आना है। तलबा ने ऐसी तकरीबात को करप्शन जैसे नासूर से आगाही के लिए अहम करार दिया। इससे माशरे के अंदर एक पॉजिटिविटी जाती है और माशरे के एक उम्मीद का अंसर पैदा होता है कि माशरा बेहतरी की तरफ जा सकता है। तो हम चाहते हैं कि हम जो नौजवान नस्ल है इसके लिए ऐसे प्रोग्राम करवाए जाएं। हमें आवाज़ उठानी चाहिए और जैसे आज का प्रोग्राम सेट किया गया, इसी तरह से मेरी अपील है कि करप्शन को रोकना चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने मुकाबले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ नताशा रहमान, लाहौर न्यूज़।